नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। अंबेडकर नगर में खाद्यान्न माफिया लाभार्थियों तक राशन को पहुंचने ही नहीं दे रहे। लाभार्थी जब भी राशन मांगने कोटेदार के पास जाते हैं तो वो उन्हें धक्के मारकर भगा देते हैं। वहीं प्रशासन पर भी लाभार्थियों ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आई थी ताकि गरीबों को सस्ते दामों पर राशन मिल सके और वो भूखे ना सोए। लेकिन अब सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर खाद्यान्न माफिया डाका डाल रहे हैं, जिससे अंबेडकर नगर के बीबीपुर सिचकहना गांव के लोग अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो वहीं खाद्यान्न माफिया जमकर मौज कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वो जब भी राशन मांगने कोटेदार के पास जाते हैं, कोटेदार उन्हें धक्के मारकर भगा देता है। ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है कि इसको लेकर वो कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। महीने में तीसरे दिन सुबह शाम भोजन मिलता है? हाँ, भोजन कभी कभी मिलता, कभी कभी नहीं मिलता। राशन मिल जाता है, ना मिलता ना मिलता। कोई सुनवाई? क्या सुनवाई करते बात आज कल? गवर्नमेंट सुनवाई हो पहले करे और से करे। चार बहने हैं और दो भाई हैं और मम्मी पापा हैं, तो राशन तो बराबर तो नहीं मिलता है। बहने को तो कट गया है, भाई माँ बाप का मिलता है और मट्टी तेल भी नहीं मिलता है दो दो तीन तीन महीने का, और घर भी पूरा कच्चा भी है और शादी ब्याह भी कर रहे हैं, तो अभी सब बहने पड़े हैं पूरा करने। पढ़ाई सब लोग करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? जब मजबूरी है तो नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है कोटेदार की। कोटेदार आज दो महीना हो गया किसी को राशन नहीं दिया है। उसके बाद मिट्टी तेल तो क्या, मेरे ख्याल चार चार पाँच पाँच महीने हो गया, मिट्टी तेल अभी तक दिया नहीं हो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, हमने सप्लाई के पास भी फोन किए थे, वो भी कोई कार्रवाई नहीं की। डीएम के पास भी गए थे, डीएम भी आश्वासन दिए हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आज हफ्ता 10 दिन हो गए, अभी तक वो भी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। कोटेदार की प्रताड़ना से परेशान एक 70 साल की बुजुर्ग महिला लाभार्थी ने बताया कि कोटेदार ने पिछले 3 महीने से उनको ना तो राशन दिया और ना मिट्टी का तेल, जिसके कारण उनको सिर्फ दूसरों का सहारा है। दूसरे खाना दे देते हैं तो वो खा लेती हैं, वरना उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। अगर नहीं जबारन के साथ है बहन भैया खवावत है। आपको राशन मिल रहा है? नहीं भैया, हमारा मिट्टी तेल तीन तीन महीना हो जा साहब मिलत नहीं ना। राशन कितने महीने से नहीं मिला है? हमारे 3 महीना से नहीं मिला। वह क्या कहते हैं कोटेदार? कहा थे राशन में नहीं, जब जात कहीं राशन में नहीं। सरकार के गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं की भ्रष्टाचार अधिकारियों के साथ मिलकर खाद्यान्न माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा और क्या लाभार्थियों को उनका हक मिल पाएगा। और इससे पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से सरकारी योजनाओं पर परीता लगाया जा रहा है, कोटेदार किस तरीके से जो राशन है वो नहीं देते, मिट्टी का तेल नहीं देते और बुजुर्ग महिला कैसे परेशान है। संवाददाता रोशन गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन, कोटेदार महिला को, यहाँ ग्रामीणों को, बुजुर्गों को राशन नहीं देते, मिट्टी का तेल नहीं देते, क्या ये मामला प्रशासन के संज्ञान में नहीं है? इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक? मैं चाहूंगा कि अंबेडकर नगर में सारे कोटे अलग अलग यही स्थिति होती है। सरकारी योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर कोई शिकायत करने के लिए जाता है अधिकारियों को तो जांच की बात कहकर तो हिला हवाली करते रहते हैं। एक ताजा मामला जो आप देख रहे हैं कि देखने को मिला है, कोटेदारों ने राशन जब्त कर लिया, लोगों तक राशन आया नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं देते, आधा जो राशन देकर उनको बहला दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया रोशन आपका तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।